हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग स्पैंड। मैं अनामिका, मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी। सर्दियाँ आ गई हैं तो क्यों ना गाजर का हलवा बना जाए। यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर ले ली है, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और यहाँ पे मैंने कद्दूकस है उसे मैंने ले लिया, इसको मैंने अच्छे से घिस लिए गाजर को। ये देखिए इस तरीके से सारी गाजर को इसी तरीके से कस कर लेना है। ये देखिए हम गाजर कसकर तैयार है। अब एक मैंने कढ़ाई ले ली, इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी डाला हुआ है। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए गाजर जो कसा हुआ है इसको इसमें डाल देना है और इसको चला देना है। गैस को मीडियम रखना, हाई फ्लेम नहीं करना है। और इसके बाद इसमें जो मैंने फुल क्रीम दूध ले लिया है 1/2 लीटर, इसको भी मैंने चला दिया है। आप यहाँ पर खोया भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैंने ढक दिया है, पर इसको बीच बीच में चलाते ज़रूर रहें। तो इसको देखिए मैंने यहाँ पे ढक दिया, दूध अच्छे से पक गया है। अब देखिए इसके बाद मैंने इसमें चीनी है वो डाल दी है अपने स्वाद के अनुसार, जितना मीठा खाना चाहते इसे भी मैंने चला दिया है। चीनी जो है वो भी अभी इसमें थोड़ा मॉइस्चर जो है वो छोड़ेगी। इसके बाद मैंने इसमें इलायची कुटी हुई डाल दी है। ये देखिए अभी भी ये थोड़ा सा लिक्विड जैसा है। ये देखिए तो इसका मतलब अभी गाजर का हलवा नहीं बनकर रेडी है। इसको अच्छे से 20 से 25 मिनट तक और इसे इसी तरीके से खुला पका लेना है, इसे चलाते बराबर रहना है। अब गाजर का हलवा बनकर रेडी है। इसी तरीके से आप भी बनाइए गाजर का हलवा इन सर्दियों में और खाइए और सभी को खिलाइए। तो ये गाजर के हलवे की रेसिपी आप सभी लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो फिर भी मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।